नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, ऑटो इंडस्ट्रीज देखा जाए तो अलग अलग मतलब सेक्टर वाइज होते हैं। जैसे टू व्हीलर्स अलग सेक्टर होते हैं, फोर व्हीलर्स होते हैं और हैवी व्हीकल्स भी होते हैं। तो इस तरीके से सेक्टर से आपको मतलब जानकारी मिलता है कि कौन सा सेक्टर से इस कंपनी बिलोंग करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा हैवी व्हीकल बनाने वाले, जैसे बस, ट्रक्स, इस तरीके से मतलब डिफेंस के जो गाड़ियां है, जो जो डिफेंस का जो ट्रक्स है उसको बनाने वाला एक कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, अशोक लेलैंड है। तो अशोक लेलैंड के बारे में बात करूंगा। तो ये एक देखा जाए तो मेरे एक पसंदीदा स्टॉक भी है, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत सारा डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया। तो आज भी इसके ऊपर एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत मतलब पॉजिटिविटी कुछ दिखते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर फाइनेंशियल रिपोर्ट में उतना तो पॉजिटिविटी नहीं है, फिर भी इस कंपनी में क्यों पॉजिटिविटी आप बता रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज आज सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पहले पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने सारे दोस्त सब्सक्राइब करके रखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो देखते हैं आज के इस मतलब अशोक लेलैंड स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले जो चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ वो सबसे पहले देखिए, देखिए इन्वेस्टमेंट एक ऐसा मतलब टॉपिक है जो सब नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते आप कहेंगे सर, देखा कितने लोग कर पाते हैं। तो देखा जाए तो 100 अगर लोग ढूंढेंगे तो इनमें से 5 लोग ही सक्सेस होते हैं और 95 लोग फेल होते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक है और रीजन भी है। तो लॉजिक कौन सा है और रीजन कौन सा है जो मैं आज सिखाऊंगा आपको, जो इस बात मैं नहीं बताया, राकेश झुनझुनवाला जी, वॉरेन बफेट जी, उन्होंने खुद बताया कि क्यों 5% लोग मतलब इस स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं और 95.5% लोग क्यों पैसा गंवाते हैं। उसके पीछे लॉजिक समझिए। देखिए, हम क्या करते हैं जब स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, सबसे पहले हम लोग जितने सारे लोगों ने वीडियो यूट्यूब ने वीडियो बनाया, जितने सारे गूगल्स में आपको मिला, न्यूज चैनल के माध्यम से आपको मिला, कोई भी स्टॉक के डिटेल सबको मिला, उस स्टॉक के बारे में आपको ज्यादा जानकारी लिया और उसका फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल सारे सारे की सारी चीज देख लिए, मतलब फिर भी आप एक चीज मतलब ध्यान नहीं दिया, वो चीज क्या है, वो है उस कंपनी एक्चुअली वास्तव में लोग कितना पसंद करते हैं। लोग कितना पसंद मतलब मान के चलिए आपका मतलब आपका घर में सबसे जो छोटा आप कोई भी बच्चा है, वो आप उसको दुकान ले जाएंगे, उसको शॉपिंग मॉल ले जाएंगे, तो वो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, वो चॉकलेट ढूंढेंगे। तो चॉकलेट, गाड़ी, टॉयज, गेम्स, इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट ढूंढेंगे। तो आपको देखना है वो कौन सा चीज ढूंढ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये नोटिफाइड करना है वो कौन सा चीज के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट है। आप देखेंगे वो चॉकलेट खरीदना चाहते हैं, वो चॉकलेट खाना चाहते हैं। आप देखेंगे वो ज्यादातर चॉकलेट आप डेयरी मिल्क हो गया, जैसे नेस्ले इंडिया का प्रोडक्ट है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो ढूंढ रहा है। इसका मतलब है, देखिए मैं दिग्गज एक इन्वेस्टर, अमेरिकन एक वेब इन्वेस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका नाम मैं आपको मैं बाद में बताऊंगा, जिन्होंने स्टॉक पिक करने का एक नया तरीका सोचा था। उन्होंने इस तरीके से ही बहुत बहुत मतलब लाखों करोड़ का पैसा कमाया। बहुत अच्छा खासा एक टॉपिक था। कैसा टॉपिक, देखिए उन्होंने क्या करते, उन्होंने जो घर में जो उनके बीवी थे, उनका जो बच्चे थे, वो उसको मॉल में, शॉपिंग मॉल में, बाजार में लेके जाते थे और वो क्या पसंद करते थे, और लोग उसी पसंद को दूसरे लोग भी पसंद करते हैं कि नहीं करते थे वो देखते थे, और उसको देखने के बाद वो स्टॉक के ऊपर रिसर्च करते थे। तो आपको भी इसी तरीके से सोचना होगा, मैं भी उसी तरीके से सोचता हूँ, तो इसलिए मुझे स्टॉक पिक करना बहुत आसान लगता है। क्योंकि देखिए देखिए इतना इतना आसान भी नहीं है, फिर भी देखिए एक मतलब एक आपको अंदाजा लग जाता है कि कौन सा स्टॉक फ्यूचर में आगे जा सकता है, कौन सा स्टॉक लोग ज्यादा पसंद करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट लोग पसंद करते हैं। तो उसके विषय जैसे आप बच्चों को डेयरी मिल्क दे देंगे वो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो नेस्ले का प्रोडक्ट है, उसको पता नहीं कि नेस्ले का प्रोडक्ट है कि आईटीसी का प्रोडक्ट है, उसको पता नहीं, मगर उसको एक चीज पता है कि उसको डेयरी मिल्क पसंद है। तो आपको उस पते से पता करना चाहिए कि उस कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रोथ ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसी तरीके से आपको पिक करना चाहिए, सेम टू सेम मुझे अशोक लेलैंड भी इसी तरीके से अच्छा लगता है, क्योंकि अशोक लेलैंड के बासेस जो है वो ज्यादातर इलेक्ट्रिक बासेस वो करने के तैयारी तैयारी में जुटे हैं, और एक बिग आज एक न्यूज दिखाऊंगा जिसके कारण अशोक लेलैंड और भी आगे जा सकता है। तो चलो उस न्यूज के बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस न्यूज को आपको दिखा देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे अशोक लेलॉन्ट जो बताया गया है द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, तो मैं इस चैनल के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इस चैनल को जाकर भी खुद भी विजिट कर सकते हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ इस चैनल के ऊपर कि एक न्यूज अच्छा खासा दिया। देखिए न्यूज कितना अच्छा है, कितना मतलब अंदर से न्यूज खराब है। मतलब खराब मतलब कोई बहुत सारे न्यूज होते हैं जो मतलब मार्केट को मोनोपोलेट करने के लिए भी दिया जाता है, तो आप उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, आप उस कंपनी के ऊपर ध्यान दीजिएगा जो न्यूज आपने पब्लिश किया है, वो न्यूज कितना पॉजिटिव हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अशोक लेलॉन्ट आर्म्स स्विच मोबिलिटी इन इन्वेस्ट ₹1,000 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट। इसका मतलब समझ लीजिए कि अशोक लेलॉन्ट ने पहले तो बसेस बनाना शुरू कर दिया और इलेक्ट्रिक बसेस बनाना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना अभी स्टार्ट करेंगे, तो वो भी आप देख सकते हो 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ का इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान उसका है। देखिए अभी प्लान है तो प्लांट है तो अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ, इसका मतलब समझ लेना कि 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो करेगा ही करेगा, तो वो करने वाले हैं, तो इसका एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि कभी देखिए कभी भी इस तरीके से न्यूज पब्लिश किया जाता है तो वो सेबी के रूल्स के हिसाब से पब्लिश किया जाता है कि चलो आज में कोई भी मन में आया बता दिया न्यूज चैनल को वो फ्लैश कर दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं चलते। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करके रखे, तो इन्वेस्टर नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से फेक न्यूज मार्केट में आए और मार्केट मोनोपोलट हो। तो इस तरीके से आपको न्यूज को एक मतलब पॉजिटिविटी हिसाब के लेना चाहिए, तो कितना पॉजिटिव है वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो देखिए स्विच मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आर्म्स अशोक लेलॉन विल बी इन्वेस्ट 1,000 करोड़ टू, यहाँ पे देखिए डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट इन साउथ इंडिया इन द पीपल ऑफ द नोन सेड दैट आर लाइकली बी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु में नया प्लांट बनने वाले हैं और वो भी 1,00,000 करोड़, सॉरी 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ। तो मुझे लगता है यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे बताया गया है, चेन्नई चेन्नई से इस रिपोर्ट को दिया गया है कि द प्लान इज टू सेट अप 30,000 यूनिट इलेक्ट्रिक एलसीवी कैपेसिटी। मतलब जो लो मतलब लो व्हीकल जो तो है, जितने सारे इलेक्ट्रिक मान के चलिए जो फोर व्हीलर आप देखते हैं, जितने सारे मतलब कॉमर्शियल व्हीकल देखते हैं, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने का इसका टारगेट है। तो इसीलिए देखिए 10,000 यूनिट इलेक्ट्रिक बसेस एंड उसके साथ आपको 30,000 यूनिट इलेक्ट्रिक एलसीवी कैपेसिटी भी यहाँ पे दिया गया है। तो अशोक लेलॉन ने इस तरीके से क्रिएटिविटी पहले भी कर चुके हैं, मैं पहले भी आपको एक वीडियो बना के दिया था जो अराउंड 800 बसेस का ऑर्डर आए थे, और वो भी कहाँ का, बेंगलुरु में, और साथ ही साथ आपको लंदन में भी इसका प्रोजेक्ट मिला था इलेक्ट्रिक बसेस का। तो देखिए इस तरीके से प्रोजेक्ट अशोक लेलॉन लेके आते हैं, तो मुझे इसलिए अशोक लेलॉन बहुत शानदार लगता है, क्योंकि अशोक लेलॉन टाटा मोटर्स जैसे ही सोचते हैं। टाटा मोटर्स ज्यादातर मोबिलिटी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मोबिलिटी है वो पैसेंजर व्हीकल के ऊपर सोचते हैं, और अशोक लेलॉन जो है वो अभी देखिए बसेस के ऊपर तो सोच मतलब काम कर ही रहा था, साथ ही साथ अभी पैसेंजर व्हीकल के ऊपर भी सोच रहा है। मतलब इसका तो पैसेंजर व्हीकल नहीं है, उसका तो ज्यादातर देखा जाए तो छोटा जो मतलब कमर्शियल व्हीकल्स है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो डेटा है, ये जो न्यूज़ है, मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। तो देखिए कितना पॉजिटिव है वो आपको पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने कुछ एक क्लारिफिकेशन दिया, देखिए बासेस है जो प्लग इन ड्राइव, तो 600 इलेक्ट्रिक बासेस का उसका टारगेट है। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ग्रो जो जो उसका ग्रोइंग मोड में है, 5,000 बसेस एंड 15,000 स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल 3 to 5 years। तो बिग टारगेट रखा है कंपनी ने, 3 से 5 साल के अंदर 15,000 स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल और 5,000 बसेस वो लॉन्च करेंगे, वो भी इलेक्ट्रिक बसेस। तो इससे बड़ा और क्या चीज होता है। और देखिए प्लान्स टू ड्राइव ओवर 500 बसेस फाइनेंशियल ईयर 2023 इसके खत्म होने से पहले ही कंपनी 500 बसेस लॉन्च करेगा मार्केट में, और साथ ही साथ अभी अभी देख सकते हो ओवरऑल कंपनी का टारगेट है 7,000 बसेस। तो एक बिग टारगेट लेकर चल रहा है कंपनी, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो प्राइस रेंज है आपको अभी बहुत सस्ते में देखने को मिलेगा। कंपनी के बाकी पैरामीटर में आपको नहीं दिखा तो अच्छा है, आप कहेंगे सर यहाँ पे एनुअली इनकम लॉसेस में है, कंपनी का कर्जा भी है, तो 3% का कर्जा है, तो आप क्यों बता रहे हैं कि कंपनी उतना खास है। देखिए कुछ चीज आपको नेगेटिव लगेगा, मगर एक चीज भी आपको देखना चाहिए, कोई भी स्टॉक में आप निवेश कर रहे हैं तो वो कंपनी आज खराब है, मान के चलिए टाटा मोटर्स वो क्या थे, वो लॉकडाउन के आगे पहले क्या थे, वो खराब थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तब से वो रॉकेट बन गया। तो यही नजरिया है, बिजनेस को अगर डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो वो कभी ना कभी चेंज हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फोकस होना चाहिए। तो
इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो एक मतलब मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी देखिए कंपनी लॉकडाउन के बाद, यहाँ पे लॉकडाउन पीरियड आया था उसके बाद कोरोना के बाद जिस तरीके से स्टॉक में गिरावट हुआ था, आप देखिए किस इतना शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला। जो कंपनी अराउंड 35 रुपीज में चल रहा था, अराउंड 35 रुपीज में चल रहा था, वो कंपनी आज आज देखा जाए तो 150 में चल रहा है। देखिए एक एक अच्छा खासा जम्प, मतलब आपका फंड का 4 से 5 गुना, 5 6 गुना, 5 गुना नहीं, 5 गुना यहाँ पे आपको प्रॉफिट रिटर्न दे दिया। तो इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी अच्छा खासा ग्रोइंग मूड में है, मगर वो उसके लिए टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे मैक्सिमम, तो देखिए कंपनी ने कितना शानदार यहाँ पे रैली दिखने को मिला था। उसके बाद देखिए 2018 के बाद हर स्टॉक में गिरावट हुआ, हर ऑटो इंडस्ट्रीज में गिरावट हुआ, सिर्फ अशोक लेलैंड नहीं, हर कोई ऑटो इंडस्ट्रीज को पकड़ लेना वो इस तरीके से काम किया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए, बाकी एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। और मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।